इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पांचवा पाठ है न्यायपालिका। क्या है न्यायपालिका? तो पांचवें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि न्यायपालिका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए गए कामों की झलक मिलने लगेगी कि कौन सी कानून क्या किया है क्या नहीं किया, वो सब मालूम चलने लगता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों चाहिए ये अदालत? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, ये है इकाई 3। हमारे देश में कानून का शासन चलता है, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, चाहे कुछ भी हो। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इसी व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं, इसी में आते हैं न्यायपालिका। न्याय के व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं न्यायपालिका, जिसमें बहुत सारी अदालतें आती हैं, जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक न्याय के लिए जा सकता है। सरकार के अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। यह इस भूमिका को इसलिए निभाती है क्योंकि यह आजाद है, स्वतंत्र है, हर तरह से स्वतंत्र है। देखो, न्यायपालिका अलग, पत्रकारिता अलग, ठीक है, फिर से यह लोकपाल अलग, फिर उसके बाद से राज्यपाल अलग, तो इस तरह सब कोई अपना अपना राज्य में अलग अलग है, तो सब अच्छे से काम कर पाते हैं, सब आजाद है, लेकिन एक दूसरे पर नजर रखते हैं। स्वतंत्र नगरपालिका का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके पास की अदालत जो आपके राज्य में है, आपके जिले में जो अदालत है, और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। ये है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हिंदुस्तान का, जो दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में जहां पर यह है, वहीं पर देखो क्या क्या है। वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, वहां का हाई कोर्ट भी है दिल्ली का, और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पर है। सब एक जगह पे है। दूर से फोटो देखोगे तो थोड़ा कमाल का दिखेगा, जैसा कि आपने थंबनेल में, चलो थंबनेल में लगा दूंगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं न्यायपालिका की भूमिका। अदालतें बहुत सारे मुद्दे पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, यह भी उनके अंडर आता है। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार में न्यायपालिका की भूमिका को बांट दिया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे विवादों का निपटना, न्याय समीक्षा और अलग अलग पार्ट इसका प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला है विवादों का निपटारा। जैसे मैं देखो, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार दो राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रिया विधि मुहैया कराती है। कौन से? विवादों का निपटारा। अब देखो, नागरिकों को न्याय चाहिए, न्यायपालिका। अब नागरिक व सरकार में कुछ हो गया खटपट, तो उसका भी काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका। दो राज्यों के बीच कुछ हो गया तो उसका भी इलाज करेगा न्यायपालिका, मतलब निपटारा करेगा, उसको निपटाएगा। और केंद्र और राज्य के बीच में भी कुछ हो गया
तो उस पर भी क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा नहीं भाई समझौता कर लो और चलो आगे करते हैं काम मिलजुल कर। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। संविधान की व्याख्या मतलब संविधान हमारे पास जो है उस पर अमल करने का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है, क्योंकि न्यायपालिका उस पर ज्यादा काम करता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आगे देखो, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियावन्य। अब इसमें जानेंगे कानून की रक्षा और हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में कि वो क्या-क्या हैं। अगर देश के किसी भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है, किसी भी अदालत में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिर कर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। अपने स्वास्थ्य का अधिकार इसमें शामिल है, जिसके मौलिक अधिकारों के जरिए हम किसी पर केस कर सकते हैं। फलस्वरूप न्यायालय ने मतलब कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें और उसमें आपात स्थिति में रोगियों के लिए इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। ठीक है, पहले पश्चिम बंग खेती मजदूर कहा जाता था, अब समिति बन गया पश्चिम बंगाल राज्य 1996। ये चित्र जो आप देख रहे हो इसके बारे में लिखा है। इसकी स्थापना मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, मतलब उसी दिन हमारी गणतंत्र लागू हुआ था। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। अपने पूर्वोत्तर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। पहले भी यह संविधान भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब स्थानांतरित का मतलब होता है उधर से बदलकर इधर कर दिया गया और इसका एक सेपरेट बिल्डिंग भवन दे दिया गया, याद रहेगा। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। अब विवाद की किस्म और उदाहरण। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद होता है तो उसका क्या होता है, कौन उसको सलटाता है, कौन निपटाता है। दो राज्यों के बीच विवाद होता है तो कौन निपटाता है, दो नागरिकों के बीच होता है तो कौन निपटाता है उसको। ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं उसे कौन निपटाता है। बस ये जानो पढ़ो बस, इसका कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, मतलब आजाद न्यायपालिका, आजाद कोर्ट, आजाद न्याय क्या होता है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता, मैं एकदम ठाट पाट से रहने वाला, फॉर्च्यूनर से घूमने वाला नेता आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे जमीन पर नेता कब्जा करेंगे तो हम कल ही उनको उठवा लेंगे घर से।
उठवा क्या लेंगे, हम खुद चल जाएंगे। बोल भाई, देखो ऐसे धमकी देना आम बात होती है कि हम उठवा लेंगे, ये कर लेंगे। भाई वो आटा का बोरी थोड़े 25 केजी का कि हम उठवा लेंगे। अगर ये बात समझो कि हमारे जमीन पर कोई भी नेता कब्जा कर लेता है तो सीधा बात है, तुम लड़ लो हमसे, जो जीता जमीन उसका, साफ बात। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। अब वो ऐसा नेता है कि जज को ही हटा देगा या उसका तबादला करा सकते हैं, करा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। अगर आप इस कानून के जरिए आप अपने जमीन के विवाद को लेकर आप कानून में जाते हैं, कानून के पास जाते हैं, तो जज भी, अदालत में जो जज बैठता है, आप देख रहे हैं कि वो जज भी उस नेता का हिमायत कर रहा है, तो क्या होगा? तो इसका उपाय भी है, नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले लेने नहीं ले पाते। देखो भाई, कुछ नियंत्रण रहता है इसलिए वो जज भी कुछ फैसला नहीं ले पाता है। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान ने न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। उसको हमारे न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है कि भाई तुमको जो करना है तुम सो कर, नो फियर, नो, किसी से डरने का टेंशन नहीं है, किसी से डरो मत, चिंता मत करो, तुमको जो फैसला करना है करो। लेकिन जो ताकतवर नेता है बाद में उस जज को मार देते हैं, उस जज के परिवार को मार देते हैं, किडनैप करवा लेते हैं, तो इस तरह थोड़ी हानि पहुंचती है। लेकिन जज जो होता है एकदम खुले मन से हर चीज को न्याय देता है, हर किसी को न्याय देता है। इस स्वतंत्रता का यह पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। फिर से इसको समझो, इस स्वतंत्रता का यह एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा है यहाँ पे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ चुका था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है, मतलब एक ऐसे पहलू जो शुरू से आया। इसका मतलब यह है कि विधायिका, कार्यपालिका और सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका, पहले आता है कार्यपालिका, विधायिका, उसके बाद आता है न्यायपालिका, के काम में दखल नहीं दे सकता। मतलब कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकता। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, कोई भी अदालत सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वह सरकार की ओर से काम करता है। तो देखो, कोई भी चीज होता है तो विधायक लोग जो होते हैं, विधायक के मुखिया, इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अपने राज्य का चिंता नहीं करके दूसरे राज्य की चिंता करते हैं, तो उस राज्य का भला कभी नहीं होने वाला। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। देखिए, पहला यहाँ पे शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए, मतलब ठीक रखने के लिए, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब उनका बहाली कब हो रहा है, ये सरकार के अंदर में नहीं आता। सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल इसमें नहीं आता है कि कौन सा जज कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये सब उसमें आएगा ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर चलता है, ऐसा कोई टेंशन
टेंशन वाली बात नहीं है, सब चीज में झोल झपट्टा होता ही है। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। अब इसीलिए कोई न्यायाधीश कहीं आ गया, वकील जज कहीं आ गया, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मारना तो आसान है ना, हटाना मुश्किल है, मारना आसान है। तो देखो क्या होता है, उसको हटा नहीं पाते हैं, लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं उस जज को ही मार डालते हैं। वो गाड़ी से जा रहा है, गोली से मार दिए, काम खत्म। ऐसे भी जज के घर के आगे थोड़ी सिक्योरिटी कम होती है, तो मारना थोड़ा आसान हो जाता है। जज साहब जहाँ टहलते हैं वहां पर भी उनको ठोका जा सकता है। तो ऐसे डर के मारे बहुत जज गलत फैसला नेताओं के लिए सुना देते हैं कि चल भाई हम बचे रहेंगे। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, अपनी जिंदगी की रक्षा मत करो, अपनी जिंदगी की रक्षा मत करो, जनहित और देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया करो। अपने महफिलों की चिंता मत करो, अपने परिवारों की चिंता मत करो, अपने जीवन की चिंता मत करो। जो होता है ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर लिखा है कि हम जिएंगे, तो किसी के माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि हमें मार देंगे। गॉट इट? इसीलिए जो भी करो ईमानदारी से करो, ठीक है? ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें भी ये आशा रहेगा कि हाँ मैं ईमानदार हूं। अंदर से अंदरूनी शक्ति भी बोलेगा कि नहीं भैया तू ईमानदार है, तू काम कर, तू चल, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम अभी बुक पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, चैप्टर कौन है, पांचवा, न्यायपालिका। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालतों में जा सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो अदालत में जा सकता है, अपनी याचिका दर्ज करा सकता है, FIR कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, समूह का है तो आंदोलन करेगा, बच्चे हो तो आप भी आंदोलन कर सकते हो, अपने स्कूल में आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, अपने टीचर के सामने प्रोटेस्ट करो, अपने टीचर के लिए प्रोटेस्ट करो, अपने स्वाभिमान के लिए प्रोटेस्ट करो, अपनी इच्छाओं के लिए प्रोटेस्ट करो। मतलब प्रोटेस्ट का मतलब बोल रहे हैं आंदोलन करो। स्कूल में पानी अच्छा नहीं आ रहा है, इसके लिए आंदोलन करो। बाथरूम गंदा है, आंदोलन करो। गलत पढ़ाया जा रहा है, आंदोलन करो। शिक्षक का व्यवहार गलत है, आंदोलन करो। कोई किसी को मार रहा है, आंदोलन करो। क्लास में एकता नहीं है, आंदोलन कर दो। बाहर जा रहे हो, साफ सफाई नहीं है, आंदोलन कर दो। रोड खराब है, मतलब स्कूल के बाहर बहुत ट्रैफिक है, आंदोलन कर दो कि हमें सुरक्षा चाहिए स्कूल का रोड पार करने में। कंप्लेन करो इसके पे, पहले कंप्लेन करो, नहीं पूरा होता है तो आंदोलन करो, उससे भी नहीं पूरा होता है तो भूख हड़ताल करो स्कूल में, पढ़ाई हड़ताल कर दो। एक बार हमारे शिक्षक लोग क्या किए थे कि कुछ उनकी गलत भूमिका हम लोग को लगा तो हम लोग स्कूल हड़ताल कर दिए। मतलब उस दिन क्लास का कोई नहीं जाएगा स्कूल में, चाहे लड़का चाहे लड़की, उस दिन क्लास में कोई नहीं जाएगा, सब कोई बाहर रहेगा, गेट पर बैठा रहेगा, लेकिन स्कूल में पैर नहीं रखेगा। रहेगा भी तो स्कूल के क्षेत्र नहीं रहेगा, थोड़ा बाहर, लेकिन स्कूल में जाना मना, किसी को नहीं जाना है। तो ऐसे प्रोटेस्ट किया जाता है, शांति से करो लेकिन करो। चौक खत्म हो जाता है, चौक नहीं ला कर दे रहे हैं तो उसके लिए करो। पंखा नहीं चल रहा है, जनरेटर लोग नहीं चला रहे हैं, उसके लिए कर सकते हो। बिना मतलब का कोई टीचर पीट दे रहा है, शिक्षक पीट दे रहा है, तो इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। समझ में आया? चलिए फिर अगले पार्ट में पढ़ते हैं, भारत में अदालतों की संरचना कैसे हुई, कब हुई। तब तक लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।